यूट्यूब चैनल, मेरे साथ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं और कल हम लोग एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं, उसकी रिहर्सल है। सो ये दोनों एक्टर हैं हमारे स्टूडेंट्स जो उसमें काम कर रहे हैं, तो स्क्रिप्ट को और अच्छा बना रहे हैं, सिचुएशन को और अच्छा बना रहे हैं, कैरेक्टर पर काम कर रहे हैं। तो जब कभी आपको मौका मिलेगा शूट करने का, आप बिगिनर हो तो आपको भी अंदाज़ा आएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है स्क्रिप्ट को, कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो भी अपने सब्सक्राइबर्स है, उनके आने के पहले हम उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। और इस लाइव सेशन में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे साथ में, वो भी बहुत सारी बातें सीखेंगे। ओके, क्या होता है, मैं अकेला कुछ आपसे शेयर करता हूँ ना एक्टिंग की बातें, तो मुझे बड़ा वो मैकेनिकल लगता है। ऐसा लगता है कि हम कुछ याद करके आए हैं और हम बोल रहे हैं, लेकिन जब ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं साथ में, लाइव सेशन चलता है, तो ऑटोमेटिक बहुत सारी बातें निकल के आती है। सेशन कंप्लीट होने के बाद आपका कमेंट लिखना ना भूलिए कि आपने इस सेशन से क्या सीखा। ओके, सो, कहानी है इस शॉर्ट फिल्म की एक इंटरव्यू की। एक लड़की है जिसने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है और ये बॉस है, और बॉस थोड़ा उस तरीके का है। अब कौन से तरीके का है वो जब देखेंगे आप तब आपको समझ में आएगा। और लड़की, अब मैं क्या बताऊँ, देखते रिहर्सल, आप देखिए कहानी। ओके, आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो कमेंट में यस टाइप करना ना भूलिए। ओके, चलो स्टार्ट। और स्वीटी, कैसे चल रहा है काम? गुड सर। ओके, तो यहाँ आने के बाद आपने सब की पहचान तो हो गई रही ऑफिस में? यस सर, ऑल आर गुड, बहुत अच्छे, और हमारे सीनियर्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत हेल्प करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आर यू श्योर? कभी भी कॉल करना, रात में भी। ओके, समझ गया। ओके, अच्छा स्वीटी, क्यों मोबाइल नंबर था? सर मोबाइल नंबर क्यों? आवाज इनका नहीं आ रहा है ऑफिस में, थोड़ा थोड़ा लाउड बोलो। अच्छा, ये है तुम्हारे पास कोई ओढ़नी? प्रियंका ओढ़नी है? ओढ़नी ओढ़ के नाचो, ओढ़नी। रूबी मैम को पूछो एक बार, आवाज इन दोनों का नहीं आ रहा है कि मेरा नहीं आ रहा है? इन दोनों का। तुम लोग खाना खा के आए हो क्या? दोनों प्रियंका महेंद्र खाना खा के आए हो? यस सर, यस सर, एक्टर खाना खा के ना भी आया तो आवाज लाउड चाहिए। बिल्कुल सर, चाहिए चाहिए। यस सर, तो हमारी एक स्टूडेंट है, बोलती है चाहिए मुझे, ये चाहिए मतलब चाहिए, और वो यही लड़की है जो लाने गई ना ओढ़नी। हिरम मैम को बोलना है, ओढ़नी है क्या उनके पास? आजकल ओढ़नी ढूंढनी पड़ती है, क्या बोले अभी सारे मर्दों के कपड़े गर्ल्स ने ले लिए, गर्ल्स के कपड़े। आ ठीक है, आ जाओ। तो एक ओढ़नी, तुम ओढ़नी से ना थोड़ा एक्ट करना, इमेजिन करना। रेडी, फिर से स्टार्ट करते, थोड़ा लाउड बात करो। रेडी स्टार्ट। और स्वीटी कैसे हो? हाउ आर यू? और ये देखो, और स्वीटी कैसी हो? हाउ आर यू? बोलो। और स्वीटी कैसी हो? नहीं देखो, और स्वीटी, स्वीटी नहीं, और स्वीटी, ये देखो, और स्वीटी कैसी हो? हाउ आर यू? और स्वीटी कैसी हो? हाउ आर यू? आई एम गुड सर। ये देख, अभी तुझे थोड़ी पता है कि उसका दिमाग में क्या चल रहा है। आई एम गुड सर, आई एम गुड सर, प्लीजेंट। ऑफिस में सबके साथ पहचान हो गई तुम्हारी? ऑफिस में सबके साथ पहचान तो हो गई ना, ऑफिस में सबके साथ पहचान हो गई तुम्हारी? अच्छा वो लाइन होगी तो, ऑफिस में सबके साथ पहचान हो गई तुम्हारी? यस सर, यस सर। ऑफिस में सबके साथ पहचान हो गई तुम्हारी? यस सर। और इनफैक्ट ऑफिस, और पहले से ठरकी मत बनो, पहले नॉर्मल रहो। और स्वीटी कैसी हो? तुम पहले से एकदम तैयारी में हो? पहले से नहीं, धीरे 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 धीरे, स्लोली अपने को
वो पहले नॉर्मल बात कर रहा है और एंड में वो अपने काम की बात करेगा। काम की बात क्या है वो आपको समझ में आएगा, लाइव वीडियो देखते रहो। पहले नॉर्मल एकदम, एक न्यूट्रल प्रॉपर बैठो, एकदम सामने आके मत बैठो, बॉस की तरह सिंसियर। हाँ, वो चेयर कहाँ गई दूसरी, वो दे दो उनको चेयर। जो भी प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है ना वो यूज़ किया करो। एक ब्लेजर दे दे, ब्लेजर रुको, एक ब्लेजर भी देंगे आपको। कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी, उससे और कैरेक्टर मिलता है ना अपने को। ओके, 5 सितंबर से नई बैच शुरू हो रही है, आप सबको उसकी जानकारी है, तो वहां से जूम कर सकता है बेटा, स्क्रीन को आगे पीछे कर सकता है। अभी मैंने इनको चेयर दी ताकि उनको बॉस वाला फील मिले, अभी एक ब्लेजर देंगे जिससे और उनको फील आए। वो ग्रीन वाला, ब्लैक वाला आएगा आपको महेंद्र, पहन लो। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम क्यों परेशान आत्मा किधर बैठे हो, देख रहा मैंने लाइव इसलिए शुरू किया बीच में कि किस तरीके से हम लोग पूरी तैयारी करते हैं वो आपको भी घर बैठे पता चले। जैसे रिहर्सल शुरू की तो बाद में पता चला नहीं चेयर बदलनी चाहिए, इनको एक ब्लेजर देना चाहिए, इनको एक ओढ़नी की ज़रूरत है, तो ये सारी जो बातें हैं ना ये एक्टर ने खुद ही करना ज़रूरी है एक्चुअली। कॉलर ठीक करो, कल हम लोग शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं उसी की तैयारी चल रही है। सो एक तरफ क्लासरूम ट्रेनिंग, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल। लेट्स सैक प्रोडक्शंस इस नए चैनल पर आप सब देख सकते हो, आपने देखी होगी। ओके, नाउ गेट इनटू द कैरेक्टर। ओके, सो पहले से अटैक मत करो, लड़की भाग जाएगी। रेडी स्टार्ट। हाँ, कैसी हो आप? आई एम गुड सर। ओह स्वीटी, कैसी हो आप, हाउ आर यू, या कैसी हो आप पूछने के बाद हाउ आर यू कट करो। स्वीटी को देख के खुश हुआ ना बॉस। और स्वीटी कैसी हो आप? स्वीटी कैसी हो, और भी जरूरत नहीं है, और हाथ हाइड मत करो, ऐसे नॉर्मल बैठो ना उस पर जैसे हम बैठते हैं ना एक बॉस की तरह। हाँ रेडी, स्वीटी कैसी हो, स्वीटी कैसी हो, हाँ हाँ स्वीटी 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 कैसी हो, कैसी हो, परफेक्ट। आई एम गुड सर। आई एम गुड सर। आई एम गुड सर। ओके, तो ऑफिस के सबसे जान पहचान हो गई आपकी? यस, और इनफैक्ट सब बहुत अच्छे हैं, हमारे सीनियर्स भी बहुत। ओके गाई मत करो, ऑफिस के सभी गर्ल्स से पहचान, ऑफिस के सभी गर्ल्स से जान पहचान हुई कि नहीं? आवाज थोड़ा लाउड रखो। ऑफिस के सभी स्टाफ से जान पहचान हो गई आपकी? यस सर। हुई या नहीं? हुई या नहीं? ये देखो महेंद्र, ऑफिस के सभी स्टाफ से जान पहचान हुई या नहीं हुई? वो फ्रेंडली करने की कोशिश कर रहा है। ऑफिस के सभी स्टाफ से जान पहचान हुई या नहीं? यस, इनफैक्ट दे ऑल आर वेरी गुड। यस सर। Yes sir. Yes sir. They all are very good. They help me a lot. Good. Yes sir. Good. In fact, kya tha line? They all are good. Yes sir. They all are good. In fact. They help me. They help me out. फिर से एक बार line बोलो. Yes sir. They all are good. In fact, they help me out. हाँ, और थोड़ा happiness के साथ. Yes sir. They all are good. In fact, they help me out. Good. In fact, they help me out. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। एक बार फिर से, गुड गुड गुड।
गुड गुड गुड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। नो सर? नो सर? नो सर। हाँ। अच्छा तुम्हारी शर्ट तो बहुत सुंदर है। अच्छा तुम्हारी शर्ट तो बहुत सुंदर है। अच्छा तुम्हारी शर्ट तो बहुत सुंदर है। नहीं अभी नो नो सर, सब सही है। अब मूड बदला, बात करने का तरीका भी बदला ना। एक गाड़ी है वो सड़क से जा रही है, एक ब्रिज आया, वो ब्रिज से चढ़ के फिर उतरी, तो इमोशन का वैसे है। तुम एक बात बोल रहे हो, तुम उसकी तारीफ कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे, अब तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, तो वो उस मूड को छोड़ के इस मूड में आना है ना, तो उसके बीच में एक ब्रिज चाहिए। लास्ट लाइन बोलो तुम्हारी। Yes sir, they all are good. Yes sir, they all are good. Yes sir, they all are good. In fact, they help me out. अभी तू इतनी सीरियस होके मत। Yes sir, they all are good. In fact, they help me out. Yes sir, they all are good. In fact, they help me out. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? No sir. तुम्हारी शर्ट तो बहुत नहीं 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 लाइन में गड़बड़ हुई क्या? In fact, they help me out के बाद डायरेक्ट शर्ट का है ना? हाँ डायरेक्ट शर्ट। हाँ good good good. Good good. गुड। हाँ अभी यहाँ गुड गुड गुड। अरे ये देखो, इनफैक्ट दे हेल्प मी आउट सर। गुड गुड गुड। अरे तुम्हारी शर्ट तो बहुत अच्छी है। अचानक इस बात आई टू आई कॉन्टैक्ट चल रहा है, अब शर्ट पे आना है। गुड गुड गुड। अरे तुम्हारी शर्ट तो बहुत बढ़िया है। वो ब्रिज चाहिए। अरे तुम्हारी शर्ट तो बहुत सुंदर है। हाँ अच्छा यहाँ पे क्या करो। अरे वाह तुम्हारी शर्ट तो बहुत बढ़िया है। वो हेजिटेट हो गया क्योंकि ये नीचे ऊपर देख रहा है। उसके बाद तुम्हारा फोन नंबर बताना। क्यों सर? हाँ तुम्हारी शर्ट तो बहुत सुंदर है छोटी। हाँ क्यों क्यों सर? अरे ऑफिस का डिस्कशन करेंगे, अभी तुमने नया नया ज्वाइन किया है ना, तुम्हें सारी बातें समझानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी, इसीलिए चाहिए था और कुछ नहीं। वो जो लाइन है वही बोलो बस इस अंदाज में। देना एकदम डायरेक्ट हो। ये निकाला तुम्हारा मोबाइल नंबर देना प्लीज, जैसे वो तुरंत बताने वाली है। अच्छा सुनो तुम्हारा मोबाइल नंबर देना प्लीज। क्यों सर? क्यों सर? क्यों सर? थोड़ा शॉकिंग। क्यों सर? क्यों सर? अरे वो ऑफिस के काम का डिस्कशन करेंगे और कुछ नहीं, ऑफिस के काम के लिए। नहीं जो स्क्रिप्ट थी वही बोलो। हाँ कहते कौन देख रहा है स्क्रिप्ट? आशीष इरम मैम ने जो नहीं भेजी वो कहाँ है स्क्रिप्ट? ये बच्चे हमको असिस्ट भी करते हैं काम में, कोई कॉस्ट्यूम करता है, कोई मेकअप करता है, कोई स्क्रिप्ट को असिस्ट करता है, कोई डायरेक्टर को असिस्ट करता है, कोई कैमरामैन को असिस्ट करता है। 6 मंथ के स्टूडेंट है तो ये दिन भर इधर ही पड़े रहते हैं। वो चाहते हैं पड़े रहते हैं, मतलब ऐसा मत समझो कि इधर उधर काम में रहते हैं, काम में रहते हैं एडवांस कोर्स के स्टूडेंट। क्या लाइन है किधर है स्क्रिप्ट? हाँ चलो कहाँ पे रुके थे? बहुत सी चीजें बतानी है ऑफिस के काम के लिए। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा वो था ना? हाँ चलो बोलो पढ़ के बोलो। यू आर लुकिंग मैं बोलता हूँ तुम बोलो। विच महेंद्र एक्टिंग करो मैं बताता हूँ भाई। यू आर लुकिंग नाइस इन द शर्ट, इन दिस शर्ट। यू आर लुकिंग नाइस इन दिस शर्ट। मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो बताना। मेरी कोई ज़रूरत हो तो बताना। श्योर सर।
मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा, मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा। या ऐसा करो, मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा। मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा, मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा। बट मेरी ट्रेनिंग ऑलरेडी हुई है सर। बट मेरी ट्रेनिंग तो ऑलरेडी हुई है सर। बट देख, बट मेरी ट्रेनिंग तो ऑलरेडी हुई है सर। बट मेरी ट्रेनिंग तो ऑलरेडी हुई है सर। ये ले, वोट नहीं ले। नमस्ते रूबी मैम। ये हमको दिन भर में 10 बार नमस्ते करते हम लोगों को। हाँ बट मेरी ट्रेनिंग तो ऑलरेडी हुई है सर। बट मेरी ट्रेनिंग तो ऑलरेडी हुई है सर। अरे अभी नया ज्वाइन किया है तो बहुत सी चीज़ें बतानी होगी ना। अरे अभी नया ज्वाइन किया है तो बहुत सी चीज़ें बतानी होगी ना मुझे तुम्हें। हाँ आप बार बार इधर क्यों देख रहे हैं सर? ये देख, हाँ आप बार बार इधर क्यों देख रहे हैं सर? नीचे कुछ गिर गया है क्या? आप बार बार इधर क्यों देख रहे हैं सर? नीचे कुछ गिर गया है क्या? नो नो नो, एक्चुअली आई लाइक योर शर्ट। एक्चुअली आई लाइक योर शर्ट। डू वन थिंग, डू वन थिंग, गिव मी योर नंबर, आई विल कॉल यू। गिव मी योर मोबाइल नंबर, आई विल कॉल यू। व्हाई सर? व्हाई सर? अरे डिस्कशन करना है। डिस्कशन करना, ऑफिस के काम का। क्यों सर? क्यों सर? क्या डिस्कशन? क्या डिस्कशन? कैसा डिस्कशन? कैसा डिस्कशन? बहुत सी चीजें बतानी है। बहुत सी चीजें बतानी है तुम्हें, नहीं आए हो ना तुम? ओके सर, नोट कीजिए। ओके सर, नोट कीजिए। माय नंबर इज, माय नंबर इज 36C। 36C? व्हाट? व्हाट? नाउ आई आस्क्ड यू फॉर योर फोन नंबर। अरे मैं तुमसे एड्रेस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा मोबाइल नंबर मांग रहा हूँ। अरे सर मैं एड्रेस बता भी नहीं रही हूँ। इट्स माय नंबर 36C। हाँ मैं तुमसे एड्रेस नहीं पूछ रहा हूँ, आई आस्क यू फॉर योर फोन नंबर। अरे अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे एड्रेस नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा मोबाइल नंबर मांग रहा हूँ। नो सर मैं एड्रेस बता भी नहीं रही, एक्चुअली ये मेरे ब्रांड का नंबर 36C। सर ये मेरा, वैसे भी मैं एड्रेस बता ही नहीं रही हूँ, ये मेरे ब्रा का नंबर है 36C। ये लाइन हाईलाइट करने की, क्योंकि उसी पे कहानी है ना आगे। वैसे मैं एड्रेस आपको बता भी नहीं रही हूँ सर, ये तो मेरे ब्रा का नंबर है 36C। व्हाट? व्हाट? यस सर। यस सर, आप इतनी देर से मुझे इतना घूर रहे हैं। यस सर, आप इतनी देर से मुझे इतना घूर रहे हैं। तो मैं समझ गई, तो मैं समझ गई कि आप, कि आपको ब्रा खरीदनी है, कि आपको ब्रा खरीदनी है। आई विल हेल्प यू आउट इन दैट सर, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट सर। बट आपको किसके लिए ब्रा खरीदनी है? बट आपको किसके लिए ब्रा खरीदनी है? वाइफ? वाइफ? गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? या आपकी बेटी? या आपकी बेटी? किस टाइप की चाहिए सर वैसे? किस टाइप की चाहिए सर वैसे? कॉटन, पैडेड, पैडेड, स्ट्रिप और विदाउट स्ट्रिप्स, और वायर वाली? या वायर वाली? या वायर वाली? ये क्या बोल रही हो? ये क्या बोल रही हो? आप अभी बैठ ही रहो। नहीं अभी तेरी लाइन ले फिर से। यस। ये क्या बोल रही हो? नहीं इनका लाइन है। यस आप इतनी देर से मुझे इधर, आप ये देख, यस सर आप इतनी देर से मुझे इधर घूर रहे हो, तो मैं समझ गई कि आपको ब्रा खरीदनी है, एंड आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। बट पहले ये बताइए आपको किसके लिए ब्रा चाहिए? वाइफ, गर्लफ्रेंड या आपकी बेटी? और हाँ सर किस टाइप की ब्रा चाहिए? कॉटन, पैडेड, स्टेप और क्या होती है पता नहीं मुझे, स्टेप क्या है, स्टेप्स और हाँ जी स्टीप, ठीक है जो भी, विदाउट स्टीप्स या ये पॉज ले या वायर वाली। हाँ बोलो भाई, वायर वाली भी होती है। ठीक है सर, आप तब से मुझे इतना, मतलब अभी जो तुम जो कर रही हो ना कि वो बॉस ठरकी है, वो एम्प्लॉय को गलत बर्ताव करना चाहता है, अब तुम्हारी भी आतामाजी सटक ली, अब बहुत हो गया सुन के। ठीक है बॉस है तो क्या हुआ, लेकिन ये इस तरीके से गलत बिहेवियर है, तो इसीलिए आने दो, इसीलिए अब मैं उसको सबक सिखाती हूँ, इसीलिए तुम उसका क्लास ले रही हो। एक बार फिर से वो, यस सर आप तब से मुझे इतना घूरे जा रहे हैं,
तो मैं समझ गई कि आपको ब्रा खरीदनी तो मैं वो इम्पोर्ट तो मैं समझ गई कि आपको ब्रा खरीदनी है वो सर, एक एक शब्द क्लियर वो सर आप तब से ऐसे बुरे जा रहे हैं तो मैं समझ गई आपको ब्रा खरीदनी है नो वरी सर आई विल हेल्प यू आउट वैसे आपको ब्रा किसके लिए चाहिए गर्लफ्रेंड नहीं थोड़ा सवाल वैसे आपको ब्रा किसके लिए चाहिए थोड़ा पॉज ये देख सर आपको ब्रा किसके लिए चाहिए थोड़ा पॉज ये देख गर्लफ्रेंड बीवी या बेटी गर्लफ्रेंड बीवी या बेटी गुड और किस और कौन से टाइप की चाहिए और हाँ किस टाइप की चाहिए और हाँ किस टाइप की चाहिए कॉटन पैडल स्ट्रीपलेस विदाउट स्ट्रेन और वायर वाली या हाँ विदाउट स्ट्रिप्स या वायर वाली विदाउट स्ट्रिप्स या वायर वाली ये क्या बोल रहे हो तुम ये क्या बोल रहे हो तुम चुप कर बे कब से देख रहे हो घूरे जा रहा है चुप कर बे ये क्या बोल रही हो तुम चुप कर बे कब से देख रहे हो घूरे जा रहा है ये क्या बोल रहे हो तुम चुप कर बे अभी उठो मत ऐसे वहीं से थोड़ा हेजिटेट हुआ आ जाओ ये क्या बोल रही हो तुम ये क्या बोल रही हो तुम चुप कर बे ये देख उसके लिए ये क्या बोल रही हो तुम चुप कर बे क्या बोल रही हो तुम चुप कर बे तब से घूरे जा रहा है मुझको तू तब से घूरे जा रहा है शर्म नहीं आती तेरे जैसे लोगों ने पूरे ऑफिस का माहौल खराब करके रखा है खड़े हो जाओ गुस्से में बैठ नहीं बाहर क्यों नहीं कर रहे हो बैठो वहीं से थोड़ी चेयर पीछे लेने की और खड़े होने का हाँ बोलो कब से पीछे आओ घूरे जा रहा है शर्म नहीं आती तुझे तेरे जैसे लोगों की वजह से पूरा ऑफिस का माहौल खराब कर रखा है ए बैठ नीचे बैठ नहीं हाँ देख तेरे जैसे लोगों की वजह से पूरे ऑफिस का माहौल खराब करके रखा है तू बैठ नीचे देख बोलो तेरे जैसे लोगों ने पूरे ऑफिस का माहौल खराब करके रखा है तू ए बैठ नीचे बैठ और कान खोल के सुन आगे से अगर तूने किसी लड़की को ऐसा घूरा या फिर उसके साथ बदतमीजी की ना तो तेरे सारे कपड़े उतार कर 36 की ब्रा पहना के पूरे ऑफिस में घुमाऊंगी तुझे समझा अच्छा हुआ कि तू मेरी बात समझा के बाद वो है वो बात करेंगे अच्छा हुआ सर बात आपकी समझ में आ गई ये यहाँ कैसे आएगा कौन सा सारे ऑफिस में घुमाऊंगी समझा अच्छा हुआ सर आपकी बात समझ में आ गई ये कट हो गया यहाँ पे कई बार जो लाइव देख रहे हैं और आप भी जो बैठे इधर कई बार स्क्रिप्ट में भी गलतियाँ निकलती है ना तो ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट जो लिखी है वही याद करके जो भी दिया है वो बोलना है समझना है अभी यहाँ पे उसको गुस्सा किया जैसे तुझे क्या लगता है अब कान खोल के सुन आगे से अगर किसी लड़की के साथ ऐसा किया ना तो तेरे सारे कपड़े उतार कर तुझे उतार के सिर्फ इसी 36C नंबर की ब्रा पहना के सारे ऑफिस में घुमाऊंगी समझा इतना बोला उसके बाद बॉस ए तुझे क्या लगा कि मैं तुझे सॉरी बोलूँगा अच्छा हाँ नहीं ऐसा मत करना आई एम सो सॉरी ऐसा लगा तुझे मेरे ही ऑफिस में आके मुझे ही सुना कि मैं तुझे सॉरी बोलूँगा ऐसा लगा तुझे पलटता है वो बोलो तुम्हारी लाइन I'm sorry. अब कान खोल के सुन आइंदा से अगर किसी लड़की को ऐसा देखा और अगर बदतमीजी की ना तो तेरे सारे कपड़े उतार कर 36 ब्रा पहना थोड़ा आवाज लाउड रख अभी अब कान खोल के सुन I'm sorry. अब कान नहीं रे वैसा नहीं है बैठ नीचे के बाद इसकी लाइन है ना खड़े हो जाओ बैठ नीचे
बैठो, आप कान खोल के सुन। आइंदा से अगर किसी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी की ना, तो तेरे सारे कपड़े उतारकर 36 नंबर के ब्रा पहनाकर पूरे ऑफिस में घुमाऊंगी, समझा? ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तुझे क्या लगा मैं डर जाऊंगा? नहीं, हाँ ये देख घुमाऊंगी। ओह आई एम सो सॉरी, ऐसा मुझे मत घुमाना, आई एम सो सॉरी। ऐसे बोलूंगा ऐसा लगा तुझे? मेरे ही ऑफिस में आके मुझे ही सुनाएगी, मेरी ही क्लास लेगी और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा, तालियां बजाऊंगा। वाह वाह वाह, बड़ी सती सावित्री आई है हमको ज्ञान देने वाली। अरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, सब चलता है यहाँ पर, पहली बार जॉब कर रही है क्या? ब्रा पहना के घुमाएगी, अब मैं देखता हूँ तू यहाँ जॉब करेगी कैसे, समझी? तेरी बाट मैं लगाऊंगा। आई सेड आउट, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। बात करती है, अरे तू क्या मुझे ऑफिस से भेजेगा? हाँ देन ये चलती है, ये वॉक करती है, निकलती है। तुझे क्या लगा मैं जा रही हूँ? मैं जाऊँगी नहीं, मैं तेरी भी वाट लगाऊंगी और तेरी एक कंपनी भी बंद करके दम लूँगी, समझा? वो रिवेंज वाली सारी बातें करो, आप कान खोल के सुन से ले। अब कान खोल, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ए! आवाज प्रियंका, प्रोजेक्शन रख वॉइस। ए बैठ नीचे, बैठ। ए ये देख, यहीं से देख, हो जाओ खड़े, हो जाओ खड़े। ए बैठ नीचे, इतना जोर होना चाहिए ना अब लड़की में, जो बेचारी ऐसी थी वो अब शेरनी बन गई, झांसी की रानी बन। ए बैठ नीचे, खड़े हो जाओ। ए बैठ नीचे, वेरी गुड। अब कान खोल के सुन, अब कान खोल के सुन, अब कान खोल के सुन। आइंदा अगर किसी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी की ना, तो ये तेरे सारे कपड़े उठाकर, तो ये तेरे सारे कपड़े उतारकर 36 नंबर की ब्रा पहनाकर पूरा ऑफिस में घुमाऊंगी। फिर से एक बार ले, प्रॉपर ले, फोर्स में। अब तेरा बैठने का तरीका भी आगे आके बैठ, अब तू एग्रेसिव हो गई ना, तेरी बॉडी लैंग्वेज से भी एग्रेशन दिखा। बैठ से ले, हाँ नीचे। आगे आ जा, दोनों हाथ सामने ले, तू अब एग्रेसिव हो। और एक बात, कान खोल कर एक काम कर, खड़े और ए बैठ, ए बैठ। अब एक बात, कान खोल के सुन, जो तूने मेरे साथ किया है ना, नहीं तुझे इस ऑफिस में 36C की ब्रा पहनाकर घुमाया तो मेरा नाम भी प्रियंका नहीं। जो भी तेरी लाइन है, खड़े होके वहीं से धमकी दे उसको, फिर कैमरा एंगल चेंज हो जाएगा। ए, बैठ नीचे। और एक बात, कान खोल के सुन। नहीं खड़े होके बोल, चेयर ले पीछे। हाँ और एक बात वहीं से। और एक बात, तो कान खोल के सुन। हाँ। आइंदा से अगर किसी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी की ना, तो तेरे सारे कपड़े उतार के 36 नंबर की ब्रा पहनाकर पूरे ऑफिस में घुमाऊंगी, समझा? अरे सॉरी 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 सर, तुझे क्या लगता है मैं तुझे सॉरी बोलूंगा? तालियां बजाऊंगा, ये ऑफिस मेरा है। तू तेरी जैसी कई सारी स्वीटियां यहाँ पे आके चली गई, याद रखना यहाँ पे तेरा राज नहीं चलेगा, तेरी कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। ये ऑफिस में तू किसको भी कंप्लेंट करने जाएगी तो कोई तेरा सुनने वाला नहीं है। तू क्या कर सकती है मेरा, कल की तू लौंडी आई हुई, थोड़ा दो दिन नहीं हुए तुझे आने में, काम स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी प्रॉपरली। वो जो ये जो करेक्शन बताया ना सर, वहाँ पे सीधा। हाँ तेरी लाइन बोल एक बार प्रियंका। और कान खोल कर सुन, आगे सर आगे से अगर किसी लड़की के साथ ऐसे बदतमीजी की ना, तो इसी, चलो अच्छा करियो, गुड। और कान खोल के सुन, और कान खोल कर सुन, और कान खोल कर सुन। हाँ और कान खोल कर सुन, आगे से अगर किसी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी की ना, तो तेरे सारे कपड़े उतार कर 36 नंबर की ब्रा पहनाकर पूरा ऑफिस में घुमाऊंगी, समझा? ओह आई एम सो सॉरी, ओह आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। मैं तो नहीं, ये देखो, ओह आई एम सो सॉरी, मैं तो डर गया, कहीं मुझे ब्रा पहना के ऑफिस में घुमाया तो मेरा क्या हाल होगा।
तुझे क्या लगा? ये बोलूंगा मैं, ये बोलूंगा मैं, अरे मेरे ऑफिस में काम करने वाली लड़की तू 20-25 हज़ार पे बॉस के सामने तू उसी का क्लास लेगी, अब मैं देखता हूँ कि तू इस कंपनी में कैसे काम करती है। कॉर्पोरेट में कभी काम नहीं किया तूने? अरे सब चलता है बेबी, सब चलता है। व्हाई यू आर टेकिंग सो सीरियसली बेबी? लेकिन अब मेरा मूड खराब हो गया है, अब मुझे तो चाहिए ही नहीं। नो, अभी के अभी यहाँ से निकल जा। आई सेड आउट, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। एक बात करती है, लंबी चौड़ी बातें किसको सुना रहा? तूने जो मेरे साथ किया ना, ये मैं जा रही हूँ सबको बताने। और तेरी बांटने लगी ना तो मेरा नाम भी प्रियंका नहीं, सबको नहीं, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? अबे देख इधर आ जा, ये इधर बॉस है, ये जा रही हो। तुझे क्या लगा मैं इस जॉब को छूटने के डर से यहाँ से जा रही हूँ? ये लगा तुझे? मैं जा नहीं रही हूँ, मैं आ रही हूँ। किसको लेके? तेरे बाप को लेके, पुलिस वालों को लेके आ रही हूँ। तेरे खिलाफ FIR दर्ज करूँगी और इस ऑफिस में जितनी लड़कियों के साथ तूने इस तरीके से बर्ताव किया है ना, एक एक का पर्दाफाश करूँगी, समझा? एंड कट टू निकली। फिर ताप की लाइन क्या रहेगी मैं बताता हूँ। इतना तुम्हारा लो प्रियंका जाने का, गई। आजा वापस उसके पास। तुझे क्या लगा मैं ये जॉब के डर से जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ तेरे पाप को लेकर, पुलिस को लेकर। और तूने जितनी भी लड़कियों के साथ ये सब किया ना, तुझे क्या लगता तू बच जाएगा? बच नहीं पाएगा। अरे पुलिस में जाने की क्या जरूरत है? देख आपस में, अरे पुलिस में जाने की क्या जरूरत है, आपस में मामला कर देते ना। चलो ओके, मैं आगे से उस बात को छोड़ देता हूँ। बात सिर्फ मेरी नहीं है, तुम जैसे लोगों की वजह से जितने भी ऑफिसेस है उसका माहौल ख़राब हो चुका है। लड़की अपने आप को अनसेफ फील करती है काम करने के लिए। अरे प्लीज़ ऐसा मत करो यार, जाओ मत, वो सब पुलिस वाले छोड़ दो ना। बट लड़की निकल जाती है। बोलो। ऑफिस में लड़कियाँ सेफ फील नहीं करती, ये ऐड करो। ये भी स्पीच प्रॉपर लिख के जरा बोलना पड़ेगा। तुझे क्या लगा मैं ये जॉब छोड़ने के बहाने से जा रही हूँ? मैं जा नहीं रही हूँ, मैं आ रही हूँ तेरे बाप को लेकर, पुलिस को लेकर। और तूने ये सब जो मेरे साथ किया है ना, वो तो मैं बताऊंगी, और साथ में तेरा पलटा भी फाश करूँगी। और तुझे क्या लगता है बोलेगी नहीं प्लीज ऐसा मत करो ना। एंड वो निकलती है, प्लीज ऐसा मत करो ना, एंड निकलती है। कट इट, वेरी गुड। ओके तो अभी इस पर काम करना पड़ेगा, ये खिचड़ी पकी नहीं है अभी तक। क्या है देखो, साइकोलॉजी क्या है, कोई भी कहानी हमें पहले समझनी है। आओ इधर बैठो, तुम लोग भी इधर आओ ना, है जगह। हम लाइव शूट कर रहे हैं, लाइव क्लास चल रहा है। यहाँ सेट हो जाओ सब, मार्केट में आओ। मार्केट के बाहर जाओगे तो वैल्यू नहीं रहेगा। किधर आए, किधर है ना जगह के नहीं है। शॉर्ट फिल्म हो या वेब सीरीज हो, कोई भी शूट करने के पहले हमें उस कहानी को पहले समझना है। जो तुमने समझ लिया, तुमने समझा, स्क्रिप्ट याद कर ली, कब रिहर्सल हो रही है,
रिहर्सल में तुम्हें लगा होगा कुछ मोमेंट्स मिले होंगे जहाँ पर तुमने वो फील किया हो, एक्सपीरियंस किया होगा, तो तुम बॉस के लेवल पे तुम्हें तुम्हारी बैक स्टोरी बनानी है कि ये ऐसा बर्ताव क्यों करता है। लड़की ने हो सकता है वो गिवअप भी कर सकती थी, लड़की बोल सकती थी जाने दे यार बॉस को खुश करूँगी तो पैसा मिलता रहेगा, लेकिन ये लड़की वैसी नहीं है, इसके लिए कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आवाज़ उठाती हो, और आवाज़ उठाती नहीं बल्कि वो जाती है पुलिस तक और उसका उसको ठीक करती है। तो ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, जब हम कोई कैरेक्टर करते हैं ना तो ये सोचना है कि अब मैं ही वो हूँ। ये मेरे साथ शूटिंग के दरमियान हम कट में शूट करेंगे, तो तुम्हें ये सोचना है कि ये सच में मेरे साथ हो रहा है, और रिहर्सल में नए नए तरीके से चीज़ें करनी है कि मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ। आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि ये लाइन में ऐसे बोल सकता हूँ, वो लाइन वैसे बोल सकता हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और खेल क्या है, खेल वही है कि तुम अपनी लाइन, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज सब में कितना अच्छे से खेलते हो। तुम्हारा कैरेक्टर पहले नॉर्मल है, एकदम शांति से बात करती है क्योंकि सर है, वो कंपनी का बॉस है, रिस्पेक्ट है। उसके बाद एक लेवल पे वो जब गलत तरीके से दिखता है, तुम खुद भी चेंज हो जाती है। वो सब जो चेंजेस है तुम्हारे कैरेक्टर में वो दिखने चाहिए। और ज़्यादातर गलतियाँ तुम लोग क्या करते हो पता है, लाइन बोलते हो लेकिन समझते नहीं हो। एक होता है याद करके बोलना, जैसे भाषण देते ना बच्चे, आज 15 अगस्त है, हमारे देश में हमने ऐसा हुआ था, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए जान जोखिम में डाल के हमें फ्रीडम दिलाया। आगे की लाइन क्या थी, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और कौन रह गए, सॉरी सर भूल गया। तो उसको कुछ लेना देना नहीं, क्या था फ्रीडम, किसने जान दी, क्या किया, उससे लेना देना नहीं, उसको लेना देना किससे है, जो मैंने याद किया था वो मुझे बोलना। समझ के नहीं बोलते ना बच्चे। तो एक एक्टर अगर बातों को समझ के ना करे और सिर्फ लाइंस बोले तो उसको एक्टर कहा जा सकता है क्या? नहीं। एक्टर यूनिक क्यों है? क्योंकि वो समझ के बोलता है मेरे हर लाइन के पीछे का मीनिंग क्या है। वो समझ के बोलता है कि भाई जैसे तुम पहली लाइन है तुम्हारी, स्वीट क्या, स्वीटी, हाँ कैसी हो तुम, हेलो स्वीटी कैसी हो तुम, तो इस लाइन के पीछे का मीनिंग क्या है, जिसको सबटेक्स्ट कहते हैं। सबटेक्स्ट इज व्हाट, अपने लाइन के पीछे का मीनिंग। तो हेलो स्वीटी कैसी हो तुम, ये पूछने के पीछे उसका मीनिंग ही ये है कि आज मैं स्वीटी को वो जो बात है प्रपोज वाली बात, उसको अलग तरीके से घेरने की बात, वो मैं बोलने वाला हूँ। वो मीनिंग अगर पता नहीं है, मान लो आप अच्छे हो, एक अच्छा बॉस है, ईमानदार है, सिंसियर है, वो कैसे बोलेगा हेलो स्वीटी कैसी हो, और ठरकी कैसे बोलेगा हेलो स्वीटी कैसी हो, कैसी हो आप? बात बदल गई ना, लाइन एक ही है लेकिन बैक स्टोरी बदली, बात बदल गई। इसलिए हर एक लाइन के पीछे का मीनिंग समझना है, एक एक लाइन को मैं कैसे बोलूँगा वो भी समझना है। हेलो स्वीटी कैसी हो, देखो हेलो इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन है, हेलो स्वीटी कैसी हो आप, अच्छा लगेगा क्या, हेलो स्वीटी कैसी हो, पॉज, कैसी हो आप, कैसी हो आप। तो वो थोड़ा रंगीला बॉस है इसीलिए उसकी बातों में वो वॉइस मॉड्यूलेशन आना चाहिए। देन स्वीटी जब बोलती है क्या लाइन है पहली, गुड सर, गुड सर, तो तू बेचारी मासूम है, तेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि ये बॉस ऐसा कुछ बोलेगा, इसीलिए वो न्यूट्रल है। अब पहले ही तो बोलेगी गुड सर, तो बोलेगा क्या हुआ भाई, अभी तो बात बोली नहीं मैंने, तो इसलिए तब वो नॉर्मल है, गुड सर आई एम गुड। तो वो गुड सर बोलने में या कोई भी जो लंबा तुम्हारा मोनोलॉग है उसमें ठहराव के साथ बात करने में, अभी देख हम अपने शब्दों को पटकते हैं, उड़ाते हैं और सामने भी बेच सकते हैं शब्दों को। खड़े होता है तो तू बिठाती है, हो जाओ खड़े, बिठाओ, हाँ अभी देख तूने क्या किया, ये सही था, बैठ नीचे, वहाँ पे तूने एनर्जी डाउन की, बैठ नीचे, बैठने की एक्शन है, बैठ नीचे, हमें देख मैं खड़ा हूँ, देखो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा कनेक्शन है, बैठना है तो मेरी एक्शन फिजिकल क्या हो रही है, थप
बैठ 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 नीचे। उठने की एक्शन क्या है? उड़। उड़ के लिए हम कैसे जरा बढ़ाते हैं ना, भाई उड़ जा बैठ। तो वो शब्दों पे वजन जो देते हैं हम, वो भी समझना है। ए बैठ नीचे, आया क्या वजन, बात आई क्या? ए बैठ नीचे, तो क्या बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को शब्द बोलने। एंड डोंट मेक इट बोरिंग। बोरिंग का मतलब कुछ भी हो वही सीधी सीधी लाइन बोले जा रहे, उसमें रंग भरो। ऑडियंस को मजा आनी चाहिए। ऑडियंस जबरदस्ती की एक्टिंग नहीं करनी है। एक्टिंग नहीं करनी है का मतलब ये है कि उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तुम कैरेक्टर में नहीं हो, तुम उस जोन में नहीं हो, तो भी वो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, एनी क्वेश्चन? समझ में आ गई बात? ओके, आपको आज का क्लास कैसा लगा आपके कमेंट में ज़रूर बताना फीडबैक। मैं रेगुलर लाइव नहीं आ पाऊँगा, लेकिन जब भी लाइव आ पाऊँगा आप देखिए, जो लेट लाइव देखते हैं वो भी देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए। 5 सितंबर को न्यू बैच शुरू हो रही है, 6 मंथ और 3 मंथ कोर्स की, एंड यू कैन जॉइन। सो हैप्पी लर्निंग। सब लोग बाय बाय करो हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को। बंद करना आता है तुमको?